सोनेट एक कंप्लीट ऑप्टिकल नेटवर्क है जो कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक कंप्लीट ऑप्टिकल नेटवर्क सेटअप करता है, और उसमें एंड टू एंड जो डिलीवरी है टर्मिनल से लेकर टर्मिनल तक वो ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में होती है। अब अगर हम इसका पूरा फिजिकल कॉन्फिग्रेशन देखना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम सबसे पहले जो टर्मिनल्स हैं उसको किससे कनेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले उन्हें कनेक्ट करेंगे एसटीएस मल्टीप्लेक्सर से। एसटीएस विच इज सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल, जो कि हायरार्की में आप कहीं पर भी देख सकते हैं, उसमें नंबरिंग की जाती है STS 1 2 3 4, जो कि स्पेसिफाई करते हैं अलग अलग डेटा रेट। नाउ दीज टर्मिनल्स, जो कि नेचुरल है कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये डेटा जो है 1010 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वंस दे नीड टू बी कम्युनिकेटेड विद द एसटीएस मल्टीप्लेक्सर और इन द रिसीविंग मोड इट मस्ट बी डी मल्टीप्लेक्सर। सो इट इज नेसेसरी कि इनका जो सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ सिग्नल है, फर्स्ट दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू ऑप्टिकल सिग्नल। मतलब हम यहाँ पे कुछ डिवाइसेस यहाँ पे ऐड करेंगे, वो डिवाइसेस जो है आपके टर्मिनल के सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। नाउ एन नंबर ऑफ टर्मिनल्स विल बी मल्टीप्लेक्स यूजिंग द एसटीएस मल्टीप्लेक्सर, एंड वी आर जस्ट जनरलाइजिंग। हमें पूरा एक जनरल स्ट्रक्चर जनरलाइजिंग करके बता रहे हैं कि ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द रीजनरेटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम ऑप्टिकल नेटवर्क, या अगर हम ऑप्टिकल नेटवर्क की नहीं, आप किसी भी एक ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बात करें, सो रिपीटर्स और रीजनरेटर्स आर वेरी इसेंशियल। आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टन डिस्टेंस द सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम्स लेस, कम होती जाती है उसकी स्ट्रेंथ, और वो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम इट मे डिमिनिश, खत्म हो सकता है सिग्नल, क्योंकि सिग्नल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम उसको क्या दें, या तो हम उसे एम्पलीफाई करें, या तो हम क्या करें, उसे एम्पलीफाई करने की जगह हम उसे रीजनरेट ही कर दें। तो ये रीजनरेटर्स क्या करते हैं, दे फर्स्ट एक्सेप्ट द सिग्नल, उनका स्ट्रेंथ देखते हैं और स्ट्रेंथ के अलावा उनका लेवल देखते हैं, और उस पर्टिकुलर लेवल का सिग्नल फिर से क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल जो है 1010 के फॉर्म में ही ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ पर उसको आपको क्या करना है, रीजनरेट करना है, सो दैट इट विल बी अगेन फ्रेश। अब यहाँ पर पूरा नया फ्रेश सिग्नल आपके पास अवेलेबल होगा। देन कम्स अ वेरी न्यू टाइप ऑफ डिवाइस विच इज़ नोन एज एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस एड और ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर? ये नंबर ऑफ सिग्नल्स जो कि यहाँ पे आप पूरे मल्टीप्लेक्स करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, इट्स नॉट नेचुरली रिक्वायर्ड कि एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर जो है एक ही चैनल से जुड़ा हो, ये अलग अलग से जुड़ा हो सकता है। सो इट कैन ड्रॉप सम सिग्नल्स हियर एंड कैन ट्रांसमिट इट टू अनदर, किसी और लेवल, किसी और पाथ में ट्रांसमिट कर सकता है, और हो सकता है कि कहीं और से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको इनके साथ मल्टीप्लेक्स करें। इसका मतलब इसका काम बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग करना ही है, बट ये कुछ सिग्नल्स जो कहीं और से यहाँ पर ड्रॉप किए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, उनके साथ ये जो एग्जिस्टिंग सिग्नल है उन्हें मल्टीप्लेक्स करेगा, और हो सकता है कि यहाँ से कुछ सिग्नल कहीं और रूट करना है, उनकी रूटिंग कहीं और है, तो उसको वहाँ पे से ड्रॉप कर देगा, और वहाँ कोई और एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर लगा होगा जो इन्हें रिसीव करके फिर उसको मल्टीप्लेक्स करेगा और फर्दर ट्रांसमिट कर देगा। फिर वापस से एक रीजनरेटर, या ऐसे कई सारे रीजनरेटर्स लगे हो सकते हैं, क्योंकि पाथ की जो स्पेस है, जो कंप्लीट पाथ है, वो लार्जर डिस्टेंस कवर करने के लिए नंबर ऑफ रीजनरेटर्स हमें कनेक्ट करने होंगे। लास्टली अगर हम एक एंड पे सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि जो टर्मिनल है उसको तो इंडिविजुअल एक सिग्नल चाहिए, उसे मल्टीप्लेक्स सिग्नल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक एसटीएक्स मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर लगाना होगा। अब ये क्या करने वाला है कि ये जो टर्मिनल्स हैं इनको अपना इंडिविजुअल सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। हुआ ये कि हमने यहाँ से पूरा सिग्नल लिया, उसे मल्टीप्लेक्स किया, पाथ में अगर बहुत सारा जगह पे आप कह सकते हैं कि लार्जर डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड, तो यहाँ पे रीजनरेटर्स लगाए, उनको कहीं और रूट करना था तो एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर लगाए, फिर रीजनरेटर, और लास्टली टर्मिनल नीड्स एन इंडिविजुअल सिग्नल, तो हमने यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर लगाया जो डी मल्टीप्लेक्स करेगा सिग्नल को और इंडिविजुअल सिग्नल देगा। इट मीन्स इफ दिस टर्मिनल ए नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड विद दिस ई,
सो इसका मल्टीप्लेक्स सिग्नल यहाँ पे इसी पाथ पे रूट होगा। अगर कोई और टर्मिनल कहीं और कनेक्टेड है, मान लेते हैं डी, और बी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद डी, तो उसका सिग्नल यहाँ रूट कर दिया जाएगा यूजिंग एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्स। सो दिस इज द स्पेशलिटी। ये इस तरीके के जो डिवाइसेस है जो सिर्फ ऑप्टिकल नेटवर्क में अवेलेबल है, वी आर नॉट हैविंग सच फैसिलिटी इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इस तरीके के एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में अवेलेबल नहीं है। ये पूरा एक ऑप्टिकल नेटवर्क सेटअप हुआ है जिसमें सिर्फ फर्क कहाँ है, ये जो टर्मिनल है वो टर्मिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल अंडरस्टैंड करता है। उसके लिए एट बोथ द एंड्स वी रिक्वायर द कन्वर्टर्स, हियर इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर एंड हियर ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर, एंड दिस फॉर्म्स अ कंप्लीट सेट ऑफ सोनेट। ये पूरा सोनेट का आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें, इस तरीके से काम करता है। अब इसमें क्या है, इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड, या इसको कनेक्शन कौन कौन से कनेक्शन को क्या कहा जाता है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए दे हैव जस्ट गिव सम नोमेनक्लेचर। सो व्हेनेवर दिस मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर एंड रीजनरेटर्स, तो इन्हें हम सेक्शंस के नाम पे जानते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन, ऐसे कई सारे सेक्शंस जुड़ के क्या बनेगा, बहुत सारे सेक्शंस जुड़ जाएंगे तो हमारे पास एक एसटीएस से एक एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर तक बन जाएगी एक लाइन। वो लाइन, ऐसी कई सारी लाइंस एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जरूरी है, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक पाथ। दीज आर ओनली सिंपली टर्मिनोलॉजीज, ये एक सिर्फ सिंपल टर्मिनोलॉजीज है जो आपका किसी और नेटवर्क में इसे रूट कहते हैं, कहीं ट्रांसमिशन पाथ कहते हैं, बट हियर दीज आर नोन एज सेक्शन लाइन एंड पाथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोनेट और एच एस डी एच।